इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानब से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम उर्दू नामा में आप तमाम का खैर मकदम है उर्दू नामा के इस एपिसोड में आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं तरक्की पसंद तनकीद में एक बहुत बड़ा नाम बहुत अच्छे शायर बेहतरीन सवा, ख़ुदनविश सवान नगार बहुत अच्छे उस्ताद और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे इंसान प्रफ़र शार दौलवी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं यह हमारी खुशनसीबी है कि शारीफ़ साहब ने उर्दू यूनिवर्सिटी के उर्दू नामा के लिए अपना वक्त दिया है हम बेहद शुक्रगुजार हैं इससे पहले कि शारीफ साहब अपनी जो खुद नवि नई इब्तदा की खबर है नई इंतहा मालूम उसके कुछ हिस्से हमारे सामीन और नाजरन के सामने पेश करें मुझे मुनासिब मालूम होता है कि शारीफ साहब की मुख्तसर उनके हालात ज़िंदगी बयान करूँ अफसर शारफ रुदौलवी साहब का ताल्लुक रुदौली से है जो लखनऊ से बेहद करीब है और आपकी पैदाइश यकम सितंबर 1935 को रुदौली में हुई आपकी इब्तदाई तलीम भी रुदौली में ही हुई आपके वालद मोहतरम का नाम हकीम हसन अब्बास और वालदा महतरमा का इसम ग्रामी अमीरिससा था कानपुर से हाई स्कूल किया उसके बाद से कानपुर से ही आपने इंटरमीडिएट किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने बी ऑनर्स किया उन्नीस में आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही उर्दू में एम किया और उन्नीस में आपने पी की उन्नीस में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज दयाल सिंह में दयाल सिंह कॉलेज में लेक्चरर की मुलाजमत हासिल हुई कुछ दिनों तक आपने एन में प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी बाद हजा फिर दयाल सिंह कॉलेज वापस आ गए और उन्नीस में आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के केहदे पर मामूर किया गया एक तवील अरसे तक आपने तदरीसी खदम दी हैं और आपके शागिर्दों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है जो मुल्क और बैरू मुल्क में फैली हुई है आपकी जो इलमी और अदबी फतूहत हैं उनकी फहरिस्त भी ख़ासी तवील है जिनमें चंद किताबों का नाम मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ आपकी हाल ही में खुद खुदनविश शाये हुई है न इब्तदा की खबर है न इतहा मालूम इसके अलावा आपकी जो दीगर किताबें हैं उनमें सबसे अहम किताब जदीद उर्दू तनकीद असूल नज़रियात जो उर्दू की चंद अहम किताबों में से है जो उर्दू तनकीद को समझने और उसकी तफहीम में मुआान है और इसके ला कई एडिशन्स इसके शाया हो चुके हैं और तलबा में बेहद मकबूल है ये किताब इसके अलावा आपकी जो दीगर किताबें हैं तरक् पसंद शेरी फ़िक्र और उर्दू शरा तनकीदी अमल असरारजाज तनकीदी मुबाद मासी उर्दू तनकीद आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू तनकीद इंतब गजलियात सौदा उर्दू मरसिया तनकीदी मताले मुताल वली जिगर फन और शख्सियत अफकार सौदा मरासी अनीस में ड्रामाई अनासर ये मुख्तलिफ़ किताबें हैं जो आपने तहरीर की हैं इनके प्रोफेसर शाहबूलवी साहब की और अदबी खिदमात के अतराफ़ में बहुत सारे इदारों ने उन्हें इनामत वदमत तो में पेश किए हैं जिनमें खास तौर से दहली उर्दू अकेडमी का हिंद बहादुर शाह जफर अवार्ड, यश हुकूमत उत्तर प्रदेश का यश भारती अवार्ड, मगरबी बंगाल उत्तर प्रदेश आ, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का नेशनल अवार्ड, गालिब एवान गालिब का गालिब अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूपी उर्दू एकेडमी का इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद है आपके इनाम एजाजात की जिनसे आपको नवाज़ा गया है और आपकी इलमी खिदमात का एतराफ़ किया गया है प्रोफेसर शारीफुल्दौलवी हमारे उन उनजा में से हैं जिन्होंने कई नस्लों की इल्मी, फिक्री आबियारी की और जहनी तरबियत की है उनकी शख्सियत का इज्जत इंकसार मोहब्बत खलूस हमदर्दी रवादारी बड़ों का एहतराम छोटों से शफफत आला जरफी वगैरह ऐसे औसाफ हैं जिनकी वजह से उनको हर जगह कदर की निगाह से देखा जाता है मुझे फख्र है कि मुझे शारीफ उदौलवी साहब का शागिर्द होने का मौका नसीब हुआ हाल ही में शारीफ़ साहब की खुदनविश न नब्तः की खबर है न इंतहा मालूम के नाम से मंजर आम पर आई है उस्ताद मोहतरम की शख्सियत की शराफत सादगी मुनकसर मिजाजी सुलहकुल म्याा रवी और इंसानियत नवाजी इस खुद के एक एक लफ्ज से मुतरश है खुद दरअसल इजहार जात का फ़न है आम तौर पर खुद नगार इजहार जदात के ज़िम में तोन और म्याा रवि बरकरार नहीं रख पाते और अपनी शख्सियत को बढ़ा चढ़ा पेश करते हैं बाद खुद से ज्यादा मुबालगा आरई से भी काम लेते हैं और नतीजा ये होता है कि खुद नजहार जदात का वसीला ना होकर उनकी ताली और बड़बोलेपन का नमूना बन जाती है लेकिन शार्फ़ साहब के, के तमाम नकायस के पास है इसमें एक जुमला भी ऐसा नहीं मिलता जिससे ये जाहिर हो मुनफ ने अपनी शख्सियत को बदतर और आला साबित करने की कोशिश की इश्ताल शराफत ईमानदारी रातबाजी नश्र नफरी मियाना रवि और फलूसियत का खासा है वही खूसियात इस खुद में भी नजर आती है इस खुद में शारीफ़ साहब एक मुखलिस उस्ताद एक मतवाजुन और साहब नजर नक़ाद एक मतबर महकिफ एक बेरिया दोस्त एक मोहब्बत करने वाले शौहर एक बेहतर मुंतजिम और सबसे बढ़कर एक बेहतरीन इंसान के तौर पर हमारे सामने आते हैं जो लोग तौर पर शारीफ साहब से वाकिफ़ हैं वो इस बात की शहादत देंगे कि इस खुदनविश में जो कुछ बयान किया गया है इसमें हर्फ बहर

न इब्तः की खबर है न इंतहा चार सौ चौरानवे सफ़ात में मुश्तमिल इस खुद नारिक साहब ने ना न सिर्फ अपनी छियासी जिंदगी के फराज का बखूबी अहाता है बल्कि गुजतः सत्तर पचहत्तर बरसों के हिंदुस्तान की तारीख भी बयान कर दी इस खुद में उन्होंने अपने आबा आबादाद के बारे में भी तफसलत बयान की हैं और अपनी जिंदगी के अहम वाक़ात भी पेश किए हैं ये खुद सिर्फ शारुदौलवी साहब की आप बीती नहीं बल्कि अवध की तहजीब का मरक्का और हिंदुस्तान की के मुश्तर कल्चर के जवाल की दास्तान भी है हमें खुशी है कि आज प्रोफेसर शारदौलवी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी गुजारिश पर उन्होंने इस नवि के चंद मंतखब हिस्से हमारे कारयन हमारे नाजरन के सामने पेश करने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं हम बेहद आपके शुक्रगुजार हैं सर कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और उर्दू नाम में आप मौजूद हैं शुक्रिया डॉक्टर फिरोज़ आलम साहब मैं उर्दू नामा और मानो यूनिवर्सिटी के मीडिया सेंटर का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी ख़ुद न खुद पढ़कर सुनाऊँ रतौली से तालीम के सिलसिले में मैं लखनऊ आया लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने तालीम हासिल की लखनऊ में मेरे कोई अजीज़ या रिश्तेदार नहीं थे इसलिए रहने के लिए मुझे जगह तलाश करनी पड़ी और वो जगह ये थी कि मुझे शुरू में हॉस्टल में कुछ दिन रहा उसके बाद सलीमपुर हाउस में राजा साहब सलीमपुर ने मुझे एक कमरा इनायत कर दिया जिसमें मैं आखिर वक्त तक अपने तलब के ज़माने में वहाँ क़याम पेर रहा लेकिन खाना खाने के लिए मैं नूरी होटल जाता था ये एक बहुत तारीख़ी जगह है इसके सिलसिले में चंद चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ एक बात बता दूँ कि लखनऊ के, के चाय खानों और रेस्टोरेंट्स का एक मखसूस कल्चर था और ख़ास लोगों के चाय खाने और खाने की जगह भी मखसूस होती थी लखनऊ में मेरा मरकज़ नूरी होटल था वहीं मैं और मेरे साथी आ जाते थे मैं चूंकि खाना नूरी होटल में खाता था इसलिए वहीं बैठकर सारे कामों की प्लानिंग होती थी शाम को ओल्ड इंडिया कॉफी हाउस और दूसरी जगहों से घूम फिर कर वहीं आ जाता था रात के दस बजे तक यहीं रहता था मिलने वाले भी यहीं आ जाते थे मेरे खतूत इसी पते पर आते थे ये लखनऊ का एक तारीखी होटल था लखनऊ के लोग रेस्टोरेंट कहने में जहमत महसूस करते थे इसलिए हर खाना और चाय मिलने की जगह को होटल ही कहते थे लखनऊ के मोजि हजरत, शायर अदीब सियासतदान खेल के मैदान के लोग बड़े बुजुर्ग सब यहाँ बैठते थे बड़ी पुरसकून जगह थी लोग रो, जोर से बात करने से गुरेज करते थे ताकि दूसरों को परेशानी ना तो ही नहीं थे बड़ी जगह खाना बहुत लजीज आबो नमक मुनासिब घर का खाना महसूस होता था शामी कबाब बहुत अच्छे होते थे और शाम की चाय लोग शामी कबाब के साथ पीते थे शाम से रात तक बड़ी रौनक रहती थी होटल के साम सामने आ, के हाल में एक बहुत बड़ा सहन था जिसमें होटल से मुलिक, आ, एक साबान वहाँ ख़वात के साथ जो लोग आते थे उनके बैठने का इंतज़ाम था जिन लोगों को कुछ ख़ास लोगों से बातें करनी होती थी वो भी उसी हिस्से में बैठते थे लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में मुल्क की सियासत का बहुत बड़ा मरक़ नूरी होटल था चौधरी खलीकुलज़मा जो बाद में मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर हुए शाम को यहीं आ जाते थे और मुस्लिम लीग के अरकान यहीं जमा होकर अपने फैसले करते थे नूरी के बराबर एक कदीम यूनानी दवाखाना था और गलावट के कबाब की बनाने की दुकान लखनऊ में टुंडे के कबाब उस वक्त भी मशहूर थे लेकिन इतने नहीं के लोग उसके दीवाने हों उनकी फ्रेंचाइजी फ़रोख्त होने लगे ये दुकान भी कबाब की मशहूर दुकान थी और जगह जगह पर ऐसी दुकानें होती थी, लेकिन ये बहुत मशहूर और कदीम दुकान थी और बहुत बड़े लोग घर जाते वक्त यहाँ से कबाब खरीद कर ले जाते थे उस ज़माने के मशहूर नाल नगार नसीम नवी और ख़ान महबूब तर्जी जब नसीम बुकडबो बंद करके निकलते थे तो यहाँ से कबाब खरीदते और घर जाते मैं चूंकि हर शाम नूरी होता लाटा था इसलिए अक्सर उनसे मुलाकात होती थी इस होटल के मालिक दो भाई थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन मोहम्मद हुसैन मुन्ने मियाँ कहलाते थे उनका एक हाथ कोहनी से नहीं था मुझे दोनों भाई बहुत मानते थे मेरी सारी डाक नूरी के पते पर आती थी उन दिनों मेरे रोजाना आने वाले खतूत की तादाद छः सात से दस तक हो जाती थी और यही हाल में, और यही हाल मेरे साथ बैठने वालों का था उनके साथ काफ़ी हाउस से वापसी पर सब लोग साथ आते थे और यहीं देर रात तक चाय और खाने का सिलसिला चलता था गर्मियों में आमतौर तो पर शाम को लोग सहन में बैठते थे रमज़ान में अफ्तार का इंतज़ार नूरी की तरफ से होता था हाल में लोगों की मेज़ें मखसूस लोगों के नाम से पहचानी जाती थी। दाई तरफ की पहली मेज़ मेरी थी जो बाहर खिड़की से महिक थी हमारे साथी जब ज़्यादा होते थे तो दूसरी मजों की कुर्सियाँ भी उसी में मिल जाती थीं। दरमियान में आम लोगों की मेज़ें थीं और आखिरी मेज़ जिसकी जिसके साथ एक शीशे की अलमारी थी वो राजा जाफर महदी साहब की थी ये राजा साहब पीरपुर के चाचा थे दरमियानी लाइन की आखिरी मेज़ हमीदुल्ज़मा साहब की थी और इसी पर हफीज नौमानी और उनके साथी और एजाज रिजवी वकील जो बाद में बीजेपी के लेडर और वजीर हुए बैठते थे राजा जाफ़र मेहदी साहब मेरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मैं जब भी अकेला होता था उनके पास जाकर बैठ जाता था वो भी लखनऊ का एक बहुत मखसूस किरदार उस वक्त उनकी साठ पैंसठ साल की उम्र रही होगी कचेरी रोड और रोड के चौराहे अमीनाबाद पार्क जाने वाली सड़क पर हैदरी मस्जिद के बराबर एक बहुत बड़ी पीली दुमंजिला खूबसूरत बिल्डिंग है उसकी पेशानी पर जाफर मंजिल का पत्थर अब भी लगा हुआ है वही उनका मकान था लेकिन खाना खाने नूरी रेस्टोरेंट में आते थे होटल के बर्तनों को वो इस्तेमाल नहीं करते थे उनके बर्तन उनकी ज़रूरत की चीज़ें उस अलमारी में रखी रहती थी जिसमें शीशे की एक चाय की प्याली चंद प्लेटें खाने के प्याले जाफ़रान की डिबिया साबन चीज़ और मक्खन के डब्बे और कुछ बिस्कुट रखे रहते थे उनके पास मेरे अलावा कभी कोई नहीं बैठता था होटल में दाखिल होने के बाद सबसे पहले हाथ धोते नाजिम हम लोगों का मखसूस बहरा था वही उनकी ड्यूटी में रहता था हाथ कपड़े से खुश्क नहीं करते थे बल्कि कोहनी से कर मेज पर खुश्क होने का इंतजार करते थे। नाजिम उनकी प्लेटें उनके, साम, उनके सामने साबन से धोकर ला कर रख देता और जब वो इशारा करते तो वो प्याली ए, प्याली में सिर्फ चाय का रंग लाकर डाल देता जिसमें वो जाफरान डालते थोड़ी देर इसका इंतज़ार करते कि ज़ाफ़रान उसमें घुल जाए शक्कर डाल कर चलाते और अक्सर कई प्याली चाय पीते ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि वो कई प्यारी चाय क्यों पीते हैं यहाँ कभी उनकी छोटी प्लेट में हरी मिर्चें रखी होती कभी सुर्ख तली हुई मिर्चें और वो सब मिर्चें खा लेते थे लेकिन जब उनसे थोड़ी सी बेतकल्लुफी हो गई तो मैंने उनसे दरियाफ्त ही कर लिया कि राज साहब आप इतनी मिर्चें कैसे खा लेते हैं कहने लगे मैं अपना खाना इस्तखारा देख कर खाता हूँ इस्तखारा जी हाँ बहुत अहम चीज है मैं हर चीज के बारे में इस्तखारा देखता हूँ और उसके बगैर खाना भी नहीं खाता फिर इसतारे पर इस कदर एत होने की उन्होंने कई वाक सुनाए उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा अरसा पेरिस में गुजारा था फ्रांसीसी अच्छी बोलते और लिखते थे एक बार उनके सामने कई हरी मिर्चें रखी थी मैं इधर उधर की बातें उनसे कर रहा था अचानक मुझसे कहा अगर तुम एक हरी मिर्च खा लो तो मैं तुम्हें सॉफ्ट चीज खिलाऊँगा उस वक्त सॉफ्ट चीज बाहर से आती थी हिंदुस्तान में नहीं होती थी मैंने कहा लाइए खा लूँ उन्होंने एक मिर्च मुझे उठा कर दे दी बड़ी मिर्च थी मैं समझता था कि यह हर लोकमे के साथ एक मिर्च खा लेते हैं तो बहुत कड़वी नहीं होगी मैंने मिर्च ले ली और उसी तरह खा ली मेरी हालत तबाह हो गई उन्होंने जल्दी से सॉफ्ट चीज का एक पैकेट निकाल कर खोल कर मुझे दिया और कहा बहुत हिम्मत है आप में बड़ी मुश्किल से मैं मिर्च की तलखी को बर्दाश्त कर पाया एक दिन मैंने कहा मुझे फ्रेंच पढ़ा दिया कीजिए कहने लगे अपनी किताब ले आना मैंने फ्रेंच एक गैर मुल्की जबान की हैसियत से पढ़नी शुरू की थी पीएचडी करने के लिए लाजमी था लेकिन उनके क़स्से सुनने में कभी फ्रेंच पढ़ने की नौबत ना आई मुन्ने मियाँ का असल नाम मोहम्मद हुसैन था दोहरा बदन औसत कद दाहिना हाथ कोहनी से कटा हुआ मालूम नहीं पैदाइशी तौर पर या उम्र की किसी मंजिल में किसी हादसे में कट गया था नूरी होटल के मालिकान मालूम में थे सुबह से सपहर तक एक भाई अहमद मियाँ अहमद हुसैन काउंटर पर बैठते थे और सपहर में मुन्ने मियाँ आ जाते और वो रात में होटल को बंद करके जाते थे लिखने का सारा काम बासानी बाएं हाथ से करते थे और बहुत साफ सुस्ता ख़त था मैंने पहली बार उन्हें इस तरह देखा जब उन्नीस में मैं उनके पास माहाना खाने की कीमत मालूम करने और अपने खाने के इंतज़ाम करने के लिए गया उन्होंने मुख्तर अल्फाज में बहुत अख्लाक के साथ बताया तीस रुपये महीने में दो वक्त के खाने आ, खाना होगा खाने में चार चपाती बकरे के गोश्त का सालन या कोरमा, एक प्लेट चावल और एक बक दाल और दूसरे वक़्त शामी कबाब होगा इसके अलावा आप कोई चीज लेंगे तो उसकी कीमत अलग देनी होगी मैंने इतमान का सांस लिया हॉस्टल में तो मुझे इससे बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते थे एक महीने का एडवांस तीस रुपए जमा करके मैं भी नूरी फैमिली का एक मेंबर हो गया हालांकि वहां आने वालों में कभी मुझे इसका इल्म नहीं हो सका कि कौन दूसरे महाना ग्रुप में है वो सिर्फ मुन्ने मियाँ की एक मोटी सी कापी में महफूज था जो उनके पास मेज के मुकफल दराज में रहती थी रोज के दो बार जाने आने में जल्दी ही महसूस हो गया कि ये शख्स बारह बजे रात तक इसी तरह कुर्सी पर बैठा रहता है दरअसल खालिश सोने का बना हुआ इंसान है बहुत नरम बहुत रहमदिल हर मामले में मददगार अपने 6 साल की दिन रात के ताल्लुक में मैंने उन्हें कभी किसी से सख्ती से बात करते नहीं देखा खुद मेरा मामला था मैं कई कई महीने उनको अपने हिसाब से पैसे नहीं दे पाता था इसलिए कि मनी ऑर्डर आने में देर होती थी तो उनका कर्ज बढ़ता रहता था दूसरे मेरे अहबाब का हल्का बहुत वसी था उनमें शायर भी थे यूनिवर्सिटी के दोस्त भी और सियासी साथी भी वो चाय भी पीते थे और खाने में भी, भी शर्क रहते थे लेकिन मुन्ने मियाँ ने कभी इशारतन भी नहीं कहा कि आपका बकाया बहुत बढ़ गया है मेरा मनी ऑर्डर उन्हीं के पास आता था और उन्हें मालूम था कि वो कोई बड़ी रकम नहीं होती थी सिर्फ सत्तर रुपए होते थे कभी इससे भी कम जिसमें यूनिवर्सिटी के अखराज भी पूरे करने होते थे लेकिन उन्होंने कभी किसी तरह का मतालबा नहीं किया और जब मनी ऑर्डर आता था तो वो मुझे बुलाकर पूरी रकम मेरे हाथ में रख देते थे ये अलग बात है कि मैं मनी ऑर्डर का ज़्यादा हिस्सा उनके हिसाब में जमा करा देता था लेकिन उन्होंने खुद ये नहीं किया कि अपने हिसाब करके बकिया रकम मुझे देते वो उसी वक्त मुझे पता चल चलता था कि मेरा हिसाब क्या है और वो भी कितनी रकम मेरे जिम्मे बाकी है लखनऊ में छः बरस में जिस इज्जत और सरबरंदी के साथ रहा उसमें मुन्ने मियाँ का बहुत बड़ा हिस्सा है उसी ज़माने में मेरी तस्नीफ व तालीफ का सिलसिला शुरू हुआ और मेरी तीन किताबें शाया हुई मेरे इस तरह के हर काम में मुन्ने मियाँ बेहद खुश होते थे मेरी डाक भी होटल ही के पते पर आती थी मेरी मुलाजमत में भी मुन्ने मुन्या का बहुत बड़ा हिस्सा है जिस दिन दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू के लिए टेलीग्राम आया मैं कानपुर गया हुआ था शाम को वापस आया हज मामूल मगरबे वक्त होटल गया कुछ अहबाब मंतजर थे मुन्िया मिया ने मुझे बुलवाया मेरी डाक और उसके साथ तार दिया जब सब लेकर मैं अपनी मेज़ की तरफ वापस आने लगा तो उन्होंने मुझे रोका और कहा पहले तार खोल कर पढ़ ले और मुझे बता दे सब खैरियत है मैंने तार खोला उसमें सुबह दस बजे दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था मैंने पढ़कर सुना दिया बहुत खुश हुए लेकिन मैंने कहा ये सब चीजें पहले से तय रहती हैं जाने वाने का कोई फायदा नहीं कौन बेकार वहां जाए कहकर मैं अपने अपनी मेज की तरफ मोड़ा फिर उन्होंने मुझे फिर रोका और समझाया इंटरव्यू में जरूर जाए ये सब तो अल्लाह के हाथ होता है मैंने फिर बेदली से कहा मेरे पास रुपये नहीं है जाने आने पर क्या खर्च होगा मुन्ने मिया ने दरियाफ्त किया ग्यारह रुपये उस जमाने में दिल्ली का टिकट आने जाने के बाईस रुपये होंगे पच्चीस रुपये तो हर सूरत में खर्च होंगे आप सामान ले आए दे दूंगा उन्होंने कहा मैं भी उनके इसरार के आगे मजबूर हो गया और जल्दी जल्दी सलीमपुर हाउस से अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर रिक्शे में आ गया मुन्ने मिया ने बाहर निकलकर इस तरह मुझे रुपये दिए कि कोई दूसरा न देख सके आखिर मुझे जिद करके भेज दिया आज छियासी साल की उम्र में जब मैं ये सत्रह दिख रहा हूं तो सोच रहा हूं कि मुन्ने मिया ने मुझे उस दिन जबरदस्ती दिल्ली न भेजा होता तो आज मैं न जाने कहाँ होता और किस हाल में होता मैं आज भी मुन्ने मिया का मकरूज हूँ और वो कर्ज अदा ही नहीं हो सकता बहुत शुक्रिया सर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानब से इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर की जानब से और अपनी जानब से मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम की जानब से आपका बेहद ममनून हूँ सर नाजरीन अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी हमें इजाजत दीजिए खुदा हाफिज